कहते हैं कि एक पिता के लिए अपनी बेटी बहुत ही प्यारी होती है। ऐसा ही पिता बेटी का प्यार हमें दिवंगत बिजनेस टाइकून धीरूभाई अंबानी और उनकी बेटी दीप्ति सालगांवकर के बीच देखने को मिलता था। अक्सर आपने पिता बेटी के इस प्यार के बारे में तो काफी कुछ सुना होगा, लेकिन शायद ही आप दीप्ति की लव लाइफ के बारे में जानते होंगे। तो चलिए यहाँ हम आपको दीप्ति की लव लाइफ के बारे में बताते हैं। दीप्ति की लव लाइफ के बारे में जानने से पहले आपको उनकी एक थ्रूबैक फोटो दिखाते हैं, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितनी खूबसूरत हैं। इस तस्वीर में दीप्ति नारंगी रंग की ड्रेस में नजर आ रही हैं और उनकी ज्वेलरी उनकी सुंदरता में चार चांद लगा रही है। इस फोटो में दीप्ति की सुंदरता किसी खूबसूरत एक्ट्रेस से कम नहीं दिख रही है। इसके अलावा धीरू भाई ने भी ग्रे कलर का कोट और सफेद रंग की शर्ट के साथ रेड कलर की टाई पहनी है और दोनों पिता बेटी एक प्यारी सी स्माइल दे रहे हैं। पिछले कुछ सालों से हमने धीरूभाई अंबानी के दोनों बेटों मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को लगातार सुर्खियों में छाया हुआ देखा है, लेकिन बेहद ही कम लोग धीरूभाई की दोनों बेटियों दीप्ति सलगांवकर और नीना कोठारी के बारे में जानते हैं। हालांकि नीना को कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में देखा गया है, लेकिन दीप्ति ने हमेशा ही ऐसे कार्यक्रमों और मीडिया से दूरी बनाए रखी है। बता दें कि साल 1978 में धीरूभाई अंबानी का परिवार उषा किरण बिल्डिंग में रहता था, जो उस वक्त 22 मंजिल की मुंबई की एकमात्र गगनचुंबी इमारत थी। उस दौरान इसी बिल्डिंग की 14वीं मंजिल पर सालगांवकर परिवार भी रह रहा था और दोनों परिवार अंबानी और सालगांवकर का एक दूसरे के साथ काफी अच्छा रिश्ता था। दोनों परिवार एक दूसरे की हर चीज में मदद करते थे और साथ में काफी समय बिताते थे। दोनों परिवारों के बीच इसी प्यार के कारण ही दीप्ति ने दत्तराज सालगांवकर से मुलाकात की थी। दोनों ने पारिवारिक समारोह में काफी बार मिलना शुरू कर दिया था और जल्दी एक दूसरे को डेट करने लगे थे। अगले 5 सालों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद आखिरकार 31 दिसंबर 1983 को दोनों शादी के पवित्र बंधन में बन गए। इसके बाद उनके घर बेटी इशिता सालगांवकर और बेटे विक्रम सालगांवकर ने जन्म लिया। कौन है दत्तराज सालगांवकर? बता दें कि दत्तराज सालगांवकर गोवा के एक बड़े बिजनेसमैन और एक फुटबॉल टीम के मालिक हैं। इसके अलावा वो स्मार्ट लिंक नेटवर्क सिस्टम नाम की कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हैं। दत्तराज ने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री हासिल की है और इसके बाद उन्होंने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से फाइनेंस में MBA किया हुआ है। यही नहीं, दत्तराज को ट्रैवल करना और फोटोग्राफी करना काफी पसंद है। वो दीप्ति को काफी प्यार करते हैं। एक बार पत्नी दीप्ति की तारीफ करते हुए दत्तराज ने एक इंटरव्यू में कहा था कि दीप्ति बिल्कुल उनकी माँ की तरह खाना पकाती हैं। फिलहाल ये कपल अपनी पारिवारिक लाइफ को खूब एंजॉय कर रहा है। तो आपको स्वर्गीय बिजनेस टाइकून धीरूभाई अंबानी और उनकी बेटी दीप्ति सालगांवकर की लव स्टोरी कैसी लगी, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए।